बादशाह कौन बनेगा? बादशाह सैनिये बने वो बोल नहीं जा करो करा वो। हाँ जी आप बताओ किस चीज? अरे यही तो पहना हो कि हरियाणा का बादशाह कौन बनने का? हरियाणा का बादशाह कांग्रेस ये बनेगा कांग्रेस का जी। कांग्रेस? हाँ कांग्रेस का बदलाव है। मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानी का, पहलवान का, ये मुद्दे चल रहे हैं। अच्छा तो इसी टीम में ही दो तरफ की बात है। क्योंकि ऐसा है ना, चलो यहाँ तो बीजेपी का ये बता रहे रुझान चल रहा बढ़िया, जो कि और हरियाणा में इंगे रोहतक माऊँ जींद माऊँ पानीपत माऊँ इंगे कांग्रेस का जोर ज़्यादा है। यहाँ कुछ दबदबा है लोगों पे जो मोदी के भक्त हैं। यहाँ पे आप कुछ लोग मोदी के भक्त क्यों है? कुछ दबदबा है इन पे, इंगे किशन पाल गुर्जर का दबदबा है। किशन पाल गुर्जर का दबदबा है, इंगे कांग्रेस जी ये टेकनंद शर्मा है ऐसा दबदबा है। कुछ यहाँ ब्राह्मण के काम ज़्यादा हैं उसकी वजह से कुछ दबदबा हुआ, तो कांग्रेस सरकार आएगी, एक मनोहर लाल खट्टर जाएगा यहाँ से, कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा एक बात बता, हरियाणा में इस बार का चुनाव जाति के आधार पे हो गया है क्या? जाति के आधार से चला ही रखा, जात पात तो चला ही रखा, हिंदू मुसलमान वाली जात पात तो चला ही रखी है इन्होंने बीजेपी वालों ने। कांग्रेस नहीं जात पात कर रही, जातिगत जनगणना 36 जाति को वो तो जनगणना करने के लिए कर, उनको हक दिवाने के लिए कर रही है जाति जनगणना। हर एक बिरादरी को कांग्रेस सबको हक मिले जाति जनगणना से, उसका कांग्रेस जी के जिसका हक छीन रखा उनको हक बराबर मिले, इसलिए जाति जनगणना हो रही है। पर होनी भी चाहिए, सबको फायदा है इससे, वहाँ में जाट हो ब्राह्मण हो वाल्मीकि हो कोई भी हो सबके लिए हो जाति जनगणना सबके लिए फायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं है उसमें। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की बहुत शुक्रिया। अब आप अपना 102 अब बादशाह का खेलते रहिए, मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं आ गया बल्लभगढ़, एक फल के ठेले पर कुछ महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, मैंने सोचा जरा इनसे हाल चाल लिया जाए। आप हरियाणा की? नहीं जी। कहाँ की? इधर के, हम तो जेवर के, जेवर जेवर। ओ यूपी। ओ अम्मा आप हरियाणा की हो? नहीं हम तो वहाँ के उत्तराखंड के। यहाँ क्या करते? यहाँ दिल्ली में रहते हैं हम। नहीं दिल, हम दिल्ली से आए हम। अच्छा देखिए आप हरियाणा की हो? आप तो लग रही हरियाणा की। हाँ भैया हरियाणा की। कहाँ हरियाणा में? फरीदाबाद। तो यहाँ बल्लभगढ़? बल्लभगढ़ हम हमारे नंद गुजर गई होते आए। हमारे नंद इस पार होगी होते आ रहे हैं पलवल से। अच्छा उम्र हो गई थी उनकी? या हाँ उम्र हो गई। क्या उम्र थी? होगी ऐसी 85 की। अच्छा अच्छा हाँ। अभी जा रही उनके यहाँ के लोग आए जी। अब जा रही है फरीदाबाद? हाँ फरीदाबाद अब आए हैं होते हो के, अब अपने घर जा रहे हैं खेड़ी कला गांव में रहती है। हाँ तो आपके घर वाले क्या करते हैं? अब तो रिटायर हो गए, बाटा कंपनी में लग रहे, रिटायर हो गए। ओ यही फरीदाबाद वाले बाटा में? हाँ चल भाई। अच्छा सुनो मैं आया हूँ जानने के लिए कि चुनाव नाव का चर्चा चल रही है गांव में? हाँ चर्चा चलती रहे, कई चर्चा चल रही है। क्या बोल रहे हैं? कोई कांग्रेस की दे रहो, कोई हवा की दे रहो, बीजेपी की बराबर बराबर दे रहो, या कांग्रेस की ज्यादा है या बीजेपी की ज्यादा है? भैया दोनों तरफ ही है। दोनों तरफ ही है। आप क्या चाहो? अच्छा ये बताओ। हम तो बीजेपी चाहूँ मैं। किस वजह से? अच्छे काम करें वन। क्या करा अच्छा? मोदी ने सारे काम अच्छे करे वन, सारे काम अच्छे करे मोदी ने, विदेश जाके भी अच्छे अपने मुलाकात बढ़ा रहो, अभिनंदन चलेगा पाकिस्तान वाओ जिंदा ले आए अनि मार देते हुए पाकिस्तान मारे अभिनंदन को जो लेके आ। हाँ मोदी लेके आयो। चलो चलिए कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब मैं बल्लभगढ़ बाजार में आ गया हूँ और यहाँ पर जो है इस विधानसभा सीट पर बड़ा रोचक मुकाबला ये है कि शारदा राठौर यहाँ से पूर्व विधायक रही हैं, वो बागी हो गई हैं, पराग शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने दिया है
और मूलचंद शर्मा को बीजेपी ने वोट दिया है, और क्या विचार है यहाँ का? देखो, विचार कुछ भी नहीं है। बीजेपी की पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और शारदा राठौर जी भी बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ है, बराबर की टक्कर है। कांग्रेस वाली पराग शर्मा का क्या हो? कांग्रेस की पराग शर्मा भी सही है। क्या लड़ाई किसके किसके बीच? ज़्यादातर लड़ाई तो कमल के फूल की और शारदा राठौर की है, निर्दल की। हाँ, कांग्रेस की टक्कर है बराबर की। क्या हूँ मैं? बीजेपी भी हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने कार्य और विकास अच्छा किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद राम शर्मा है सर। गोविंद राम शर्मा है। यार, शर्मा जी लोग ज्यादा हैं क्या? हैं जी, शर्मा जी लोग ज्यादा। हाँ जी, क्यों नहीं है। शर्मा बिरादरी इतनी तगड़ी है कि शायद कोई हो, अगर उनमें एकता हो जाए तो उनके वो चाहे तो जिस चीज को हटा ले, पर वो उनके मत नहीं मिलते एक दूसरे के। एक दूसरे से अगर मत पराग शर्मा, मूलचंद शर्मा, सब ये लोग ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण है, क्यों नहीं है। शारदा राठौर वो है, ठाकुर है। हाँ, तो ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ है कि ब्राह्मण राजपूत के साथ भी है? देखो, राजपूत के भी साथ है ना, सभी तो कांटे की टक्कर हो रही है। तो पंडित जी, फूल कब से बेचते हैं आप? मुझे तो 45 साल हो गए जी बल्लभगढ़ में रहने वाले भी हैं। हाँ जी, तो अब वैसे आपको मोटिव देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार छोड़ने को तैयार नहीं है बीजेपी। हाँ, जैसे मन में दर्द रह जाता है तो वो जैसे मन में दर्द रह जाता है ना यार, छोड़ूं या ना छोड़ूं। जैसे किसी पत्नी पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो पत्नी कहती है मैं तो जा रही हूँ, फिर दो चार दिन बाद अरे कहाँ जाऊंगी मैं, अपना घर क्या है बंदा है। इसलिए ये मलाल है जी, और कुछ नहीं है। पब्लिक पत्नी का क्या मामला आ गया? पति वो है ना, जो पार्टी है ये बीजेपी, इसका कार्य अच्छा है, लोगों बागों का झुकाव है, और हर आदमी चाहता है कि बीजेपी आगे बढ़े। ये बीजेपी जा रही आगे कि पीछे जा रही? आगे आएगी सरकार। अरे सरकार तो आएगी, कांटे की टक्कर भी है। शारदा राठौर जी की और कमल के फूल की जबरदस्त टक्कर है। चलिए ठीक है। आप पंडित जी, मैं तो इसे बाजार में आया, बल्लभगढ़ की मार्केट में चाट बहुत मिलता है।